हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बेटा बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो बेटा पढ़ाई जब में आगे बढ़ते हुए अपने अगले क्वेश्चन की चलते हैं। ये बेटा प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे बेटा रीड करता हूँ। कह रहा है ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। अब बेटा आप लोग को ट्रेपेजियम पता होना चाहिए। तो देखो, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें क्या होती है, टू साइड्स आपकी पैरेलल अनिक्वल होती हैं, एंड टू साइड्स बेटा जो की होती हैं वो अनइक्वल और अनपैरेलल होती हैं। जैसे यहाँ देखो, ए बी जो आपका बेटा होगा, ए बी पैरेलल आपका बेटा सी डी हो जाएगा। ए बी आपका सी डी के पैरेलल हो जाएगा। भाई इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समलंब चतुर्भुज उसको बोलते हैं। इसको इंग्लिश में ट्रेपेजियम बोलते हैं। तो ट्रेपेजियम क्या होता है? ऐसा क्वाड्रेटर। भाई देखो, चार भुजाएं होती हैं, हम चतुर्भुज बोलते हैं ना, ठीक है? यानी बेटा ये ऐसा चतुर्भुज है जिसमें आपका ए बी समांतर सी डी के होता है और ए बी सी डी जो आपका बेटा ए बी के इक्वल नहीं होता है, ठीक है? टू साइड्स, अब इनको इन दोनों से हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इन ट्रेपेजियम टू साइड्स आर पैरेलल बट अनइक्वल हो जाएंगी। बेटा ये साइड जो आपका ए डी डज नॉट पैरेलल आपका ये बी सी आ जाएगा। भाई ए बी क्या हो जाएगा? ए बी आपका बेटा बी सी की पैरेलल नहीं होता है, ठीक? तो ये बेटा प्रॉपर्टी होती है, ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है। इसका एरिया आपको क्या हो जाएगा? तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, अगर इसके एरिया बात करोगे, 1/2 एक एक बटे दो आपका होता है। अब बेटा यहाँ आपके यहाँ क्या आ जाएगा? ठीक, पैरेलल साइड्स का सम तो आ जाएगा ए बी प्लस का सी डी आपका आ जाएगा। भाई ए बी प्लस का सी डी आपका आ जाएगा इंटू, देखो बेटा यहाँ से बी से सी डी पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दो, ये मान लो का बी एल हो जाएगा। तो बेटा एल्टीट्यूड हो जाएगा बी एल आपका, यहाँ पर ये बी एल आ जाएगा। इसका फॉर्मूला हम लोग क्या बोलते हैं? 1/2, 1/2 आपका हो जाएगा। फिर आपको बेटा यहाँ आ जाएगा पैरेलल साइड्स का सम इंटू आपका हाइट आपका हो जाएगा। ये बेटा ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी पूरी होती है। तो हमसे क्वेश्चन में ट्रेपेजियम की बात करी गई थी। तो कह रहा है विद ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है, बेटा फिगर में ए बी सी डी की पैरेलल है। कह रहा है ए बी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, ठीक है, जो गिवन हमको यहाँ हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। ए बी आपका 18 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सी डी कितना हमको दे रखा है? सी डी हमको 32 सेंटीमीटर यहाँ पे दे रखा है। अब यहाँ देखो, एंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी इज 14 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा, ए बी और सी डी के बीच के डिस्टेंस को बेटा हम एल्टीट्यूड बोलेंगे ना, एल्टीट्यूड लिखेंगे। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड बिटवीन किसके आ जाएगा? बिटवीन ए बी एंड सी डी कितना हमको? 14 दे रखा है सेंटीमीटर। फिर इसके बाद कह रहा है सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियाई 7 सेंटीमीटर, ठीक, विद सेंटर ए बी सी डी। कह रहे हैं कि बेटा ट्रेपेजियम के वर्टेक्स को हम सेंटर मान करके ये सर्किल भाई आपका ए बी सी डी आपका हो जाएगा, और सर्कल की हमको रेडियस सेम दे रखा है, इक्वल रेडियाई 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हैव बीन ड्रॉन, भाई देखो ए से ये सर्कल ड्रॉ किया गया है, डी से ये वाला सर्कल ड्रॉ किया गया है, सी से ये सर्कल ड्रॉ किया गया है, बी से आपका सर्कल ये ड्रॉ किया गया है। तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। हमसे कह रहा है कि बेटा ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है। थोड़ा तो इसमें सिंपल क्या हम लोग क्या इसमें करना है कि ट्रेपेजियम के एरिया में से भाई देखो, इस वाले एरिया को ए वन मान लो, इसको आप ए टू मान लो, ये आपका ए थ्री, ये आपका ए फोर आ जाएगा। भाई देखो, अगर बेटा हम लोग क्या करें, ट्रेपेजियम के एरिया में से ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर का एरिया माइनस कर दें, बेटा हमें शेडेड पार्ट का एरिया यहाँ पर मिल जाएगा। तो इतना सॉल्व बेटा हमको करना है, इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी लिखाए थे इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं। तो यहाँ देखो, अब हम लोग इसकी बात करें, यहाँ पे बात करते हैं, तो हमको क्या निकालना है? हाँ, तो हमको रेडियस ऑफ हमको दे रखा है, रेडियस ऑफ रेडियाई ऑफ द सर्कल, रेडियाई, रेडियाई ऑफ द सर्कल्स हमको इक्वल सबका 7 दे रखा था, 7 सेंटीमीटर। थोड़ा बड़ा ध्यान देना, अगर ये P और Q पॉइंट पर अगर कट कर रहा है तो हमको AP इक्वल आपका AQ आपका हो जाएगा, इक्वल हमको 7 सेंटीमीटर यहाँ मिलेगा। हमसे कह रहे हैं AP इक्वल AQ हो जाएगा, भाई रेडियस ऑफ सेम सर्कल आपका हो जाएगा ना, AP बराबर आपका AQ हो जाएगा, ठीक है। बेटा ऐसे ही देखो, इसको रहने दो, अगर ये आपका X और Y हो जाएगा तो जाएगा BX बराबर BY इक्वल टू आपका 7 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बेटा इसको इसको हम लोग क्या मान लेंगे? इसको E मान लो, इसको F मान लो, तो लिखोगे CE
इक्वल सी एफ इक्वल क्या आ जाएगा, ये बेटा हमारा ये कितना हमारा पूरा आ जाएगा, ये हमारा 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा यहाँ देखो आपको कहाँ जाएगा, इसको आप क्या मान लो, इसको टी मान लो, इसको एस मान लो, तो डी एस इक्वल डी टी आपका 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। भाई हमसे बोला गया है कि सारी रेडियाई इक्वल दे रखी हैं, सबकी बेटा इक्वल सेम हो जाएगा। अब बेटा ध्यान देना, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया होता है, जो उसका बेटा जैसे आपको बेटा यहाँ देखो, जैसे कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल बेटा ऐसे मान लो आपका ऐसे दिया गया है, इसके बेटा एंगल 1 एंगल 2, ये आपका एंगल 2 आ जाएगा, ये आपका एंगल 3 आ जाएगा, ये आपका एंगल बेटा 4 आ जाएगा। भाई देखो बेटा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इन चारों का सम इंटीरियर द इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन क्वाड्रिलेटरल आपका 360 डिग्री आपके बेटा यहाँ पर ये होता है ना। ठीक, इतना होता है, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चतुर्भुज के अंताकोणों का योगफल 360 डिग्री आपका होता है। भाई यहाँ देखो, ये बेटा इस वाले एंगल को डी मान लो, ये वाला एंगल आपका ए हो जाएगा, ये एंगल बी हो जाएगा, ये आपका एंगल सी हो जाएगा। भाई देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, बेटा अगर यहाँ से हम लोग लिखें, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, जो बेटा आपका हो जाएगा ये 360 डिग्री पूरा पूरा आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। क्यों? इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू कितना होता है, सम ऑफ कितना आपका होता है, 360 डिग्री आपका हो जाएगा। अब यहाँ देखो बेटा, अगर हम पूरे ट्रेपेजियम के एरिया में से इन चारों का एरिया माइनस करते हैं, हमारा यहाँ पर शेडेड एरिया हम लोग को यहाँ मिल जाएगा, जो छायांकित भाग को मिल जाएगा, तो हम लोग यहाँ बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन, तो ये बेटा तुम्हारा क्या आ जाएगा, देखोगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, भाई ट्रेपेजियम का एरिया माइनस कर देंगे। भाई देखो एरिया A1 के एरिया से माइनस कर दो, A1 प्लस का A2 प्लस का A3 प्लस का ये बेटा आपका A4 आपका आ जाएगा, ये आपका ऐसे आपका इतना बटा जाएगा ना, A1 A2 A3 A4 से एरिया माइनस कर देंगे। अब यहाँ देखो ट्रेपेजियम का बेटा एरिया कितना होता है, इसे हम लोग लिखते हैं, तो आपका जाएगा 1/2, भाई बेस 1/2 आपको ए बी कितना जाएगा, ये आपका ए बी मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड आपका हो जाएगा, ए बी प्लस का सी डी आपका आ जाएगा। और बेटा इससे एल्टीट्यूड हमको यहाँ पर ये दे रखा है 14 दे रखा है, तो इसको हम लोग यहाँ पर 14 मान लेंगे। अब यहाँ देखो माइनस कर दो, अब बेटा यहाँ देखो A1 का तो सर ये बताइए, A1 का जब ए निकालेंगे तो सेक्टर का बेटा फॉर्मूला लगाओगे, हमने चलो ठीक है भाई सेक्टर का फॉर्मूला लगाओगे, तो अब ध्यान देना यहाँ पर A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 का जब एरिया मिक्स करोगे बेटा आपको सर्कल फॉर्म होगा। कैसे फॉर्म होगा, भाई देखो ये बेटा मान लो इसमें 4 खंड किए गए हैं, 1 खंड 2, ये आपका 3, ये आपका 4 आ जाएगा। भाई ये एरिया मान लो ये आपका A1 का है, ये आपका A2 का है, ये मान लो बेटा आपका A3 वाला एरिया हो जाएगा, ये आपका A4 का एरिया आ जाएगा। भाई देखो हमने इन अलग अलग एरिया को अगर एक करके ऐड करेंगे तो कहो सर ये आप कैसे कर सकते हो, तो बेटा हमने आपको यहाँ लिखा है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी का जो सम होगा 360 डिग्री आ जाएगा। भाई देखो इन अगर A1 से बेटा चलोगे, A1 A2 A3 A4 का सब सम करोगे तो 360 डिग्री तो आएगा भाई देखो, और ये तभी बेटा पॉसिबल है जब चारों मिलकर के एक सर्कल का फॉर्म करेंगे। बेटा कुल मिला के A1 A2 A3 A4 के एरिया की जगह हम लोग सर्कल का एरिया यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, ऐसा सर्कल जिसकी हमको रेडियस 7 सेंटीमीटर यहाँ पर दे रखी है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो ये बेटा आपको क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल इतना आपको आना चाहिए। अब यहाँ देखो बेटा ये आपका 1/2 ऐसे आ जाएगा, अब ए बी कितना हमको दे रखा है, ए बी हमको 18 दे रखा था, ये आपका 18 हो जाएगा इंटू ये प्लस आपको लग जाएगा, सी डी हमको बेटा 32 दे रखा था है ना, 32 आपका यहाँ पर आ जाएगा इंटू ये आपका 14 आ जाएगा। भाई कट कर लो, ये आपका 7 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ देखो माइनस का बेटा एरिया ऑफ सर्कल को जब पाई आर स्क्वायर आपका होता है, अब बेटा देखो इधर ये दो 32/18 ऐड करोगे तो कितना आपका आ जाएगा, भाई आपका यहाँ पर 50 आपका आ जाएगा, 50 × 7 कर लो भाई, 32 में 10 जोड़ोगे आपका 42 हो जाएगा, 42 में 8 ऐड करोगे आपका सॉरी आपका कितना 50 आपका आ जाएगा। तो माइनस का पाई की वैल्यू 22/7 आपका आ जाएगा। आर की वैल्यू भाई देखो हमको रेडियस दे रखा था 7 दे रखा था, तो
तो आर वन आर टू आर थ्री सबका सेम रहेगा तो कितना जाएगा, ये आपका 7 आ जाएगा, 7 इंटू आपका 7 आ जाएगा भाई, ये कट कर ले जाओगे तो कितना बचेगा यहाँ पर आपका 5 7 35, 35 एक आपका 0 यहाँ पर लग जाएगा, 350 आपको यहाँ पे आ जाएगा, 350 माइनस का देखो 22 7 ये सॉरी 7 2 14 का 4 मतलब ये आ जाएगा, 7 14 15 को आ जाएगा भाई, इनको माइनस कर लो आपका आंसर आ जाएगा भाई। माइनस कैसे करोगे, 10 में से 4 जाएगा बेटा आपका यहाँ पर, 6 बचेगा ठीक है, 14 में से 5 जाएगा, 14 भाई देखो 14 में से 5 जाएगा कितना बचेगा आपका, 9 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर एक हाँ से जाएगा ना, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर ये बेटा शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो ऐसे बेटा इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को हम आसान तरीके से कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो भाई देखो अब शेयर के लिए इसलिए नहीं कहते हैं भाई, जिसको अच्छी लगे कि वैसे भी शेयर करेगा, तो मैं बोलता ही नहीं शेयर के लिए ना दोस्तों। तो ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, और देखिए ऐसा पढ़िए कि कल को उसका रिजल्ट भी आपका, भाई देखो ऐसी जगह मेहनत करो जहाँ उसका हमको परिणाम मिले भाई। आप जैसे पबजी खेल रहे हो या आप रील्स देखते हो, रील्स से कुछ फायदा नहीं मिलता है, खाली बस माइंड आपका डाइवर्ट खाली होता है बेटा। तो इसलिए करो कि चीज़ों को भाई आपको माइंड आपका बुद्धि भाई भगवान ने आपको इतनी दी है तो उसको अच्छी जगह लगाओ, अच्छे से पढ़ाई करो और अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करो दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है दोस्तों, जय हिंद।